पीटीआई की हकीकी आजादी के लिए जिदोजहद, स्वाबी में सियासी पावर शो, पंडाल सज गया। शदीद गर्मी के बावजूद गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम खिलाड़ियों से भर गया। कप्तान का इंतजार, 60 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार, रहनुमाओं के खिताब जारी। रास्ते खत्म नहीं हुए, ख्वाहिश है सुलह हो और इलेक्शन की तरफ जाएं। कल का दिन बहुत अहम है, उम्मीद है 72 घंटों में मुस्बत जवाब आ जाएगा। शेख रशीद की बोलियों से गुफ्तगू, कहा 31 मई से पहले नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। निगरान हुक्मरान मईशत दान होगा, सितंबर और अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान के लिए गढ़ा खोदने वाले खुद उसमें गिर गए। अड़तालीस घंटों में शहबाज हुकूमत घर जाए, नए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। फवाद चौधरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया, कहा पाकिस्तान को खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। शहबाज शरीफ को काबीना समेत घर ना भेजा गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हुकूमत आज इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। बैरूनी साजिश के नतीजे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। वाज़े रूलिंग, सदर और गवर्नर के इख्तियारात सब पर कुल्हाड़ियां चलाई गईं। इमरान खान की खवातीन वकला से मुलाकात, कहा मुजरमों की कठपुतली हुकूमत अवाम के हुकूक सलब करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो साजिशी टोले को छुपने की जगह नहीं मिली। आम इंतखाबात मसाइल का हल है, ताजा मैंडेट लिया जाए, देर की गई तो बदनसीबी होगी। एमकेएम ने तजावीज से वजीर आजम को आगाह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हालात मुश्किल हैं, हमें रियासत को देखना है या सियासत को, कोशिश है पूरी ताकत से सियासत में वापस आए। कबल अज़ वक्त इंतखाबात, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म एमकेएम के बाद आज रात आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान से मिलेंगे। शहबाज शरीफ कल भी इत्तेहादियों से मुशावरत जारी रखेंगे। इत्तेहादियों की राय के बाद फौरी इलेक्शन का फैसला होगा। इस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कोशिश है इमरान खान और इस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हों। परवेज़ इलाही का इंटरव्यू, सवाल किया हुकूमत क्यों बेसाखियां ढूंढ रही है, 22 बरस नून लीग के साथ रहे, हर मौके पर धोखा मिला। शरीफ बरादरान के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। चौधरी शुजात हुसैन से कोई इख्तिलाफ नहीं। तारिक बशीर चीमा अब भी काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉलर नई तारीखी सतह पर बंद, इंटरबैंक में 1.56 रुपए इजाफा, 194.18 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में 2.50 रुपए पर बढ़ गया, 196.50 रुपए पर ट्रेड हुआ। शहबाज हुकूमत में डॉलर 11.50 रुपए महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 800 पॉइंट्स की कमी, 42,667 पॉइंट्स पर बंद। हक और सच की जीत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को हिफाजती जमानत दे दी, दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, समी इब्राहिम की वालिदा ने पिटीशन फाइल की थी, अब वो खुद अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। समी इब्राहिम ने एफआईए हिरासगी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 18 मई को अमरीका का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की दावत पर दौरा कर रहे हैं। 19 मई को बैनुल अक़वामी अम पर अक़वामे मुत्तहिदा की खुली बहस में शिरकत करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।